तो स्पाइडरमैन को पूरे एमसीयू में 4 घंटे 2 मिनट और 15 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला है और ये मैंने कैलकुलेशन स्पाइडरमैन नो वे होम तक का किया है। तो चलो देखते हैं कि स्पाइडरमैन का सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम किस मूवी में था। 8वें नंबर पे है आयरन मैन 2, इसमें पीटर पार्कर को सिर्फ 15 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला था। 7वां है एवेंजर्स एंडगेम, इस मूवी में पीटर को 3 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला था क्योंकि थैनोस के स्नैप से पीटर डस्ट बन गया था और जब वो वापस आया वो डायरेक्ट फाइनल बैटल सीन में ही दिखाई दिया। 6th है व्हाट इफ, इसमें पीटर को 7 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला था। 5th है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, इसमें पीटर को 7 मिनट 15 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला था। 4th है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इस मूवी में स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था जिसमें पीटर को 8 मिनट 15 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला था। और टॉप 3 पे तीनों स्पाइडरमैन की सोलो मूवीज है। 3rd है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, इसमें पीटर को 1 घंटा 7 मिनट और 30 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला था। 2nd है स्पाइडरमैन नो वे होम, इसमें पीटर को 1 घंटा 12 मिनट और 30 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला था। और 1st है स्पाइडरमैन होमकमिंग, इसमें पीटर को 1 घंटा 16 मिनट और 15 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला था।